हेलो मित्रों, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे ग्रामीण सड़कों का पेमेंट डिज़ाइन, जैसे कि IRC SP 72 2015 के कोड में दिया हुआ है। मित्रों, आपको याद होगा कि 2002 में SP 20 के नाम से एक रूरल रोड मैनुअल पब्लिश की गई थी और इस मैनुअल को यूज़ करते थे पेमेंट डिज़ाइन के लिए। इस मैनुअल के आने के बाद जितने भी पेमेंट डिज़ाइन हुए वो सब ब्लैक टॉप सरफेस थे, क्योंकि इस मैनुअल में ग्रेवल रोड्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। सबग्रेड स्ट्रेंथ 4 डे सॉक CBR के बेस पे ली गई थी। इस मैनुअल में 4 डायंकर दिए गए थे A to D। अगर ट्रैफिक आपका 45 CVPD से कम है तो 150 mm का बेस कोर्स, और अगर ज़्यादा है तो 225 mm का बेस कोर्स सजेस्ट किया था। और इस तरह के कोड थे जिसमें आप CBR वर्सेस पेमेंट थिकनेस निकाल सकते हैं फॉर ABCD, और ABCD यहाँ डिफाइन किए गए थे। IRC SP 72 2007 में पहली बार आया और इसमें ग्रेवल रोड्स के बारे में बात किया कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इवन लो ट्रैफिक के लिए ग्रेवल रोड्स भी सफिशिएंट हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट, एंड्रिजिट पेमेंट पेव्ड रोड की कैटेगरी में आते हैं। और इस कोड में ये था कि फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के लिए मिनिमम ESAL दैट इज इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड 50,000 होना चाहिए ड्यूरिंग ए सिंगल परफॉर्मेंस पीरियड। दूसरी चीज जो इस कोड में है वो है कि ग्रेवल रोड्स का सर्विसेबिलिटी लॉस फॉर द डिजाइन लाइफ 2 लिया गया था और अलाउबल रट डेप्थ 50 mm, थिकनेस एस्टो मेथड को यूज करके निकाली थी विथ रिलायबिलिटी लेवल ऑफ 50%। डिजाइन ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ ESAL ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ, और इस कोड में सीजनल वेरिएशन भी कंसिडर किया गया था जो कि 2002 की मैनुअल में नहीं था। सबग्रेड वाज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज S1 से लेकर S5 तक, और ट्रैफिक को 7 कैटेगरीज में T1 से लेकर T7 तक, क्योंकि ये कोड 1 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल तक ही सीमित था। 2015 में इस कोड को रिवाइज किया गया और इस कोड को हम नया पेमेंट डिजाइन करने के लिए या एग्जिस्टिंग रोड को अपग्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको ओवरले डिजाइन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और ट्रैफिक अब 1 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल की बजाय 2 MSA तक ये डिजाइन अवेलेबल है। सबग्रेड स्ट्रेंथ 5 कैटेगरी में ही है, मिनिमम सबग्रेड CBR 5%, और ट्रैफिक जैसे मैंने बताया 9 कैटेगरीज में है, और अभी भी डिजाइन थिकनेस जो है वो एस्टो की गाइड के हिसाब से है 50% रिलायबिलिटी एंड ए टर्मिनल सर्विसेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 2। इनिशियल PSI 4 लेंगे और ये मान के चलते हैं कि रोड फेल हो जाएगी अगर उसकी सर्विसेबिलिटी इंडेक्स 2 हो जाए। दूसरा ये है कि इस कोड में 2015 के एडिशन में सीमेंट स्टेबलाइज्ड सब बेस और बेस का प्रोविजन भी रखा गया है। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप स्टेबलाइज्ड बेस या सब बेस यूज करें तो आप ग्रेवल रोड डिजाइन ना करें, उसके लिए सिर्फ पेव्ड सरफेस ही होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट ही होना चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूं कि IRC 2015 में जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसको लेके आप कैसे पेमेंट डिजाइन करें या कैसे ओवरले डिजाइन करें। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप ट्रैफिक को एस्टिमेट करें, उसके बाद सबग्रेड की स्ट्रेंथ निकालें CBR, और तीसरा स्टेप है पेमेंट थिकनेस या उसका कंपोजिशन निकालें। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, रूरल रोड्स पे ट्रैफिक अलग होता है बाकी रोड से। यहाँ पे अधिकतर नॉन मोटराइज व्हीकल्स होते हैं या मोटराइज टू व्हीलर्स होते हैं, और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स बहुत कम होते हैं, यानी कई बार तो 5% से भी कम होते हैं। मेनली मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर ट्रेलर या मीडियम साइज ट्रक्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन डिज़ाइन में हम सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स जिनका के ग्रॉस लेडन वेट 3 टन या उससे ज़्यादा है उन्हीं को कंसिडर करते हैं। तो ट्रैफिक को कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल्स में 4th पावर लॉ यूज करके, और ये 4th पावर लॉ मैंने पहले भी डिस्कस किया है जब हम व्हीकल डैमेज फैक्टर के ऊपर एक सेशन ले चुके हैं। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड एक्सल लोड सिंगल एक्सल के लिए 80 किलो न्यूटन,
और टेंडम एक्सल के लिए 148 किलो न्यूटन लिया जाता है, और जितने भी बाकी एक्सल्स हैं उनको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं ESAL, इक्विवेलेंट सिंगल स्टैंडर्ड एक्सल। ट्रैफिक ग्रोथ रेट निकालने के लिए या तो आप लोकल इंक्वायरी करें, लोगों से पूछें कि ट्रैफिक किस कदर बढ़ रहा है, अदरवाइज IRC 108 में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं ट्रैफिक को प्रोडक्शन के लिए, ट्रैफिक को ग्रोथ रेट निकालने के लिए। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रूरल रोड के ऊपर आप 6% का ट्रैफिक ग्रोथ रेट मान सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप रूरल रोड डिज़ाइन करें तो ट्रैफिक में जो सीजनल वेरिएशन होता है उसको भी जरूर कंसिडर करें, और ये सीजनल वेरिएशन IS 37 में नहीं लेते हैं, ना ही अर्बन रोड डिज़ाइन में लेते हैं, लेकिन रूरल रोड्स में ट्रैफिक में चेंज होता है सीजन के साथ। और ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक रोड है, पूरा जनवरी से लेकर जनवरी तक का आपने ट्रैफिक यहाँ पे प्लॉट किया है, तो ट्रैफिक ऐसे चेंज होता है, एक हार्वेस्टिंग सीजन दूसरा हार्वेस्टिंग सीजन, तो इन सीजन को भी आप डिजाइन में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपका नॉर्मल पीरियड है जिसे हम लीन पीरियड कहते हैं, जो हार्वेस्टिंग सीजन नहीं है, इस लेवल पे ट्रैफिक है, मान लीजिए उसकी वैल्यू टी है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम ये एन टाइम्स टी हो जाता है, और हार्वेस्टिंग पीरियड आपका टी है, स्मॉल टी। तो ऐसा मान के चलते हैं कि पूरे टाइम पे तो ये हार्वेस्टिंग सीजन नहीं रहता है, इसको बिल्डअप होने के लिए करीब 20% टाइम इधर और 20% टाइम इधर लूज होता है या लॉस होता है। इसलिए ये मान के चलते हैं कि 60% ऑफ द टाइम, 60% ऑफ दिस टी जो कि आपको यहां दिख रहा है, 60% टाइम में ही ये पीक सीजन होता है। तो जो आपका एन हुआ यानी कि डिजाइन ट्रैफिक हुआ, वो हुआ टी जो कि नॉर्मल पीरियड है, नॉर्मल ट्रैफिक है, इंटू 365, ये पर डे में है तो 365 प्लस 2NT, एक पीक सीजन यहाँ पे है एक यहाँ पे है, और NT है जो इससे ऊपर ट्रैफिक है, एन एन है मल्टीप्लायर, तो 2 × n × t मल्टीप्लाई बाई 0.6 t, स्मॉल टी, स्मॉल टी इज द पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। तो ये है आपका डिजाइन ट्रैफिक होगा, तो n इज t × 365 प्लस 2 NT × 0.6 t, जहां पे n जो है ये नंबर ऑफ रिपीटेशंस फॉर ए गिवन व्हीकल टाइप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर। सो AADT जो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक है, इसको आप 365 से डिवाइड कर दें तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मल ट्रैफिक जो आपका है वो 60 व्हीकल्स पर डे है किसी रोड पे, लेकिन हार्वेस्टिंग सीजन 30 दिन का चलता है, और लेट अस से दो हार्वेस्टिंग सीजन है, और ट्रैफिक ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन बढ़ जाता है, 5 गुना हो जाता है आपके नॉर्मल ट्रैफिक से, तो डिजाइन के लिए क्या AADT होना चाहिए? अब आप देखिए यहाँ पे स्मॉल एन 5 है, तो n × t 5 × 360 300 व्हीकल्स पर डे, और इसके साथ जब आप AADT निकालें इस इक्वेशन से तो वो आएगा 60 प्लस 1.2 एन 5 t 60 इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी इज 30 डेज एंड डिवाइड बाई 365, तो ये आपका 90 व्हीकल्स पर डे होगा। तो डिजाइन ट्रैफिक जो आपको लगता है कि 60 व्हीकल्स पर डे होना चाहिए, अगर आप हार्वेस्टिंग सीजन को इंक्लूड करेंगे तो ये 90 व्हीकल्स पर डे आएगा। दूसरा है ट्रैफिक ग्रोथ रेट, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास पिछले सालों के कुछ डेटा हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक रोड पे बढ़ रहा है, तो आप उस डेटा को इस इक्वेशन में डाल के आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है जिसमें एन जो है आपके नंबर ऑफ इयर्स होगा, और आपको अगर आपको ये मान लीजिए पिछले 5 साल का डेटा आपके पास है तो एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के साथ इस इक्वेशन को फिट करेंगे। IRC 108 में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल के लिए भी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक ग्रोथ निकालने के लिए। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
कोई नई रोड आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए 6% पर एनम मान सकते हैं। यहाँ पे जो डिजाइन होता है रूरल रोड्स का वो होता है इन टर्म्स ऑफ ESAL इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड, और कमर्शियल व्हीकल्स जिनका के ग्रॉस लेडन वेट 3 टन या उससे ऊपर है वो सब आप इसमें कंसिडर करते हैं। इनमें आता है ट्रक्स, हैवी और मीडियम, बसेस एंड ट्रैक्टर ट्रेलर्स। एक चीज ध्यान रखिए कि हम हर पेमेंट डिजाइन करते हैं, चाहे वो रूरल रोड में हो, चाहे वो अर्बन रोड में हो, चाहे हाईवे में हो, पेमेंट डिजाइन हमेशा स्टैंडर्ड एक्सल लोड के लिए किया जाता है जो कि 80 किलो न्यूटन या 8.16 टन होता है। इसलिए जितने भी एक्सल जिनका लोड या जिनका वेट 80 किलो न्यूटन से ज्यादा है या कम है उनको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके लिए एक फोर्थ पावर लॉ है जो मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया है अपने सेशंस में, एक्सल लोड फैक्टर कहें या व्हीकल डैमेज फैक्टर कहें, इसे हम कहते हैं फोर्थ पावर लॉ। ये एक्चुअल एक्सल लोड है टन्स में और ये स्टैंडर्ड एक्सल लोड है टन्स में। अगर आप किलोमीटर में लेंगे तो दोनों वैल्यू किलोमीटर में होंगे। तो ये WX एक्चुअल एक्सल लोड एंड WS स्टैंडर्ड एक्सल लोड। स्टैंडर्ड एक्सल लोड 80 किलो न्यूटन और 148 किलोमीटर फॉर सिंगल और टैंडम एक्सल्स, और ये है एक्चुअल। तो यहाँ पावर 4, तो आप समझ लें कि आपका ओवरलोडिंग कितना डैमेज करता है। ये व्हीकल डैमेज फैक्टर एक कांस्टेंट है, एक मल्टीप्लायर है जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स के डिफरेंट एक्सल लोड्स को कन्वर्ट करता है स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशंस में। ऐसे तो आइडियली ये VDF जो है एक्सल लोड सर्वे करना चाहिए फील्ड में इसको निकालने के लिए, लेकिन रूरल रोड्स में एक्सल लोड सर्वे इतना आसान नहीं है, इतना जरूरी भी नहीं है, इसलिए IRC कोड में कुछ VDF वैल्यूज दी हुई है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ ये VDF कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक आपका लेडन हैवी कमर्शियल व्हीकल है जिसका पिछला एक्सल का लोड जो है 10.2 टन्स है और जो फ्रंट में एक्सल है उसका 5 टन्स है। तो ये 10.2 टन्स आप देखेंगे 8.16 से ज्यादा है, तो इसलिए इसका आपको डैमेज निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन को यूज करके, 10.2 डिवाइड बाई 8.16 की पावर 4, ये आएगा 2.44, राइट। सिमिलरली 5 टन को आप कन्वर्ट करेंगे इन स्टैंडर्ड एक्सल में तो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 8.16 की पावर 4, 0.14। तो एक कमर्शियल व्हीकल जिसका के रियर एक्सल 10.2 टन है और फ्रंट एक्सल 5 टन है उसका व्हीकल डैमेज फैक्टर आया 2.58, ठीक है। तो यानी कि इसका एक रन 2.5 टन रन के बराबर होगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लें कि मान लीजिए कोई पार्शली लेडन हैवी कमर्शियल व्हीकल है जिसका के पीछे का एक्सल 6 टन का है और फ्रंट का एक्सल 3 टन का है, तो वही इक्वेशन आप यूज करेंगे, 6 टन डिवाइडेड बाय 8.16 की पावर 4 वो 0.29 और 3 का आएगा 0.02, ये आ जाएगी 0.31 वैल्यू। एक से कम है तो उसका मतलब डैमेज नहीं कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी ट्रक जो है ओवरलोड होते हैं, काफी ट्रक जो है लोड से कम भी चलते हैं, जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल बताया। तो मान लें अगर कि 20% ओवरलोडिंग है, यानी कि इस ट्रक में जो पिछला ट्रक था ये वाला, इसमें 20% ओवरलोडिंग है, ठीक है। तो 20% ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि 10.2 टन अब हो जाएगा 12.24 और जो 5 टन का लोड था फ्रंट एक्सल पे वो 6 टन हो जाएगा। इसका व्हीकल डैमेज फैक्टर उसी इक्वेशन से 5.35 हो जाएगा, राइट। अब जैसा मैं कह रहा था कि सारे तो ट्रक्स ओवरलोड नहीं होते हैं, ये माने अगर हम कि सिर्फ 10% जो भरे हुए ट्रक हैं वो ओवरलोडेड है और ओवरलोडिंग भी 20% है, ठीक है। तो जब ओवरलोडिंग नहीं थी तो हमारा जो व्हीकल डैमेज फैक्टर था वो 2.58 था। तो अगर 90% ट्रक बिना ओवरलोडिंग के चल रहे हैं और 10% ट्रक लोडिंग के साथ चल रहे हैं इज इक्वल टू 2.86, तो ये व्हीकल डैमेज फैक्टर आ जाएगा पूरे के पूरे कमर्शियल व्हीकल्स का, ठीक है।
इसी तरीके से अगर आपका कोई मान लीजिए अनलेडन मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स है जिसका क्या रियर एक्सल लोड 6 टन है, फ्रंट में 3 टन है, तो उसका वीडीएफ मैंने पहले भी निकाल के दिखाया आपको, 0.31 हो जाएगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए आईआरसी के कोड में कुछ रिकमेंडेड वीडीएफ वैल्यूज दी हुई हैं कि आपके हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जो लेडन है उसका 2.86, जो अनलेडन या पार्शियली लेडन है उनका 0.31, इसी तरीके से मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स का 0.34 एंड 0.02। एक बार आपने ट्रैफिक ESL निकाल लिया, उसके बाद हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव एप्लीकेशंस ओवर द डिजाइन लाइफ, यानी 10 साल की अगर डिजाइन लाइफ है तो उसमें कितने लोड रिपीटेशंस पेमेंट के ऊपर आएंगे, उसके लिए एक इक्वेशन है यहाँ पे T0 ESL पर डे, और जब मैंने बताया नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे मल्टीप्लाइड बाई VDF, एंड L जो है वो है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगर आपकी सिंगल लेन रोड है तो L की वैल्यू 1 होगी, अगर आपकी टू लेन है तो 0.75 होगी। N जो है डिजाइन पीरियड है जो कि जनरली 10 साल लेते हैं। R ग्रोथ रेट 6% लेते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें ADT का पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि इसमें कमर्शियल व्हीकल्स का ब्रेकअप क्या है। तो ये टेबल है जो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि अगर आपको AGT पता है, एवरेज डेली ट्रैफिक पता है, तो आप 25-30% मान सकते हैं कि उसमें कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, और उनमें भी कमर्शियल व्हीकल्स में जो ब्रेकअप होगा हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में और मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में, वो आप इस तरीके से मान सकते हैं। 25 में से 25 के 25 MCV ले सकते हैं, 35 है तो 5 HCV और 30 MCV ले सकते हैं, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे VDF यूज करके तो ये टेबल आपको सीधे सीधे वैल्यू दे देती है। अब ट्रैफिक कैटेगरी जो IRC SP72 में ली गई है वो नो कैटेगरी ली गई है, 10,000 से लेके 2 मिलियन तक, यानी कि 20 लाख तक। तो आप अपने ESL के हिसाब से यहां से ट्रैफिक कैटेगरी चूज करेंगे। ट्रैफिक के बाद दूसरा स्टेप है टू एस्टिमेट सबग्रेड CBR। तो ये मैंने बताया आपको कि इस कोड में पेमेंट डिजाइन CBR के बेस पे है, और CBR आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, एक्चुअल CBR टेस्ट करके लेबोरेटरी में, या बेस्ड ऑन सॉयल क्लासिफिकेशन, या यूजिंग द इक्वेशंस फॉर प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक सॉयल। पर हमेशा याद रखें कि लेबोरेटरी में जो CBR निकालते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, बजाय इसके कि आप इन इक्वेशंस को या इन टेबल्स को यूज़ करके CBR निकालें। अब CBR निकालने की जो मॉइस्चर कंटेंट यूज़ करना है वो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ही यूज़ करें या आप सोप CBR ही निकालें। कोड कहता है कि अगर रेनफॉल 500 mm से ज़्यादा है तभी आप सोप CBR निकालें, अदरवाइज अनसोप CBR भी यूज़ की जा सकती है। जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ग्राउंड सरफेस के बहुत नज़दीक है वहाँ पे ये 4 डेज सोक CBR ही रिकमेंडेड है, लेकिन जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी नीचे है लेकिन चांस ये है कि रेनी सीजन के टाइम पे ग्राउंड वाटर ऊपर आ सकता है, तो वहाँ पे आपको इफेक्टिव मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए एक ये चार्ट दिया है, नोमोग्राम दिया है IRC कोड में। यहाँ पे ये देखिए, ये है इन सीटू ड्राई डेंसिटी, यानी कि जो फील्ड में ड्राई डेंसिटी है लेयर की और सॉयल की, यहाँ से आप चलिए और ये है ग्राउंड टेबल वाटर टेबल की डेप्थ, राइट। तो इस पे आप मान लीजिए ये आपका यहाँ पॉइंट है, यहाँ से डाली हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये जीरो पॉइंट दिया है, वो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इस पॉइंट को इससे मिला के इस लाइन पे आ जाइए CC पे। इस पॉइंट से आप नीचे या ऊपर जाएंगे, यह है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉयल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI वैल्यू। तो मान लीजिए आपका 50 है, तो 50 का पॉइंट को आप यहाँ, ये T है जो ये स्केल है, ये है एवरेज रेनफॉल, इसको आप यहाँ इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला के इस स्केल पे आ जाएंगे, यहाँ आपको मिलता है इक्विवेलेंट सब ग्रेड मॉइस्चर कंटेंट। तो कोड कहता है कि अगर ये इक्विवेलेंट सबग्रेड मॉइस्चर कंटेंट OMC से ज़्यादा है तो आपको CBR इस पे ही बनानी चाहिए, इस मॉइस्चर कंटेंट बनानी चाहिए, ना कि OMC।
तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो यह है कि सीबीआर की मिनिमम वैल्यू 5% होनी चाहिए, इवन आपका ट्रैफिक अगर कम भी है तब भी 5% से कम सीबीआर नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से कम है तो जरूरी है कि आप सॉइल को स्टेबलाइज करें और सीबीआर को 5% तक लेके आए। और अगर आपकी सीबीआर 2 से कम है तो ऊपर की 300 मिलीमीटर सबग्रेड को अच्छी सॉइल से रिप्लेस करें ताकि सबग्रेड की जो सीबीआर है वो 5% रहे। तो सीबीआर के स्ट्रेंथ के हिसाब से कोड में प्लास 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, S1 टू S5, वेरी पुअर टू वेरी गुड। और ये है सीबीआर रेंज। अगर आपकी सीबीआर बहुत कम है तो वेरी पुअर, और बहुत अच्छी है तो वेरी गुड S5 कैटेगरी। सीबीआर को आप सॉयल के टाइप से भी एस्टिमेट कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है, ये आपको बहुत सही वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आपकी हाईली प्लास्टिक क्ले एंड सिल्ट है जो कि IS क्लासिफिकेशन में CH और MH आती है, उसकी CBR 2-3% होती है। और इसी तरीके से अगर आप क्ले सैंड है या सिल्टी सैंड है जो SC और SM कैटेगरी के होते हैं एज पर IS सॉइल क्लासिफिकेशन, तो उसकी CBR 6-10% तक हो सकती है। आप देखिए कितनी बड़ी रेंज है, 6-10%। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए सीबीआर, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। PI यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, और P075 जो है वो है परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, राइट। फॉर नॉन प्लास्टिक सॉइल जहाँ PI वैल्यू जीरो होगी, तो ये इक्वेशन यूज कर रही है 75/D60 रेस्ट टू द पावर 0.3581। और D60 वो सीव साइज है जिसपे के आपका 60% मटेरियल पास हो जाता है। अब आपके पास सीबीआर भी है और आपके पास ट्रैफिक भी है, तो IRC कोड में ये कैटलॉग दिया हुआ है जिससे कि आप डिजाइन कर सकते हैं। ये है T1, T2, T3, T9 और ये है S1, S2, S3, S5। सो मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपकी सॉयल जो है पुअर है, S2 कैटेगरी की है, 3-4 सीबीआर है, और आपका जो ट्रैफिक है वो T6 कैटेगरी का है, तो आपको ये डिजाइन कैटलॉग है। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह का है, इसमें ऊपर है OGPC दैट इज प्रीमिक्स कारपेट या सरफेस ड्रेसिंग, उसके नीचे 75 मिलीमीटर का WBM ग्रेड 3, उसके नीचे दो लेयर में WBM, उसके नीचे GSB 100 मिलीमीटर थिक विद CBR मोर देन 20%, और इसके नीचे 150 मिलीमीटर इम्प्रूव्ड सबग्रेड सॉयल विद CBR 10%। तो ये पेमेंट डिजाइन है। इसी तरीके से स्टेबलाइज्ड बेस या सब बेस के लिए भी डिजाइन कैटलॉग दिया हुआ है IRC कोड में, आप उनको भी यूज करके अपना पेमेंट डिजाइन कर सकते हैं। मित्रों, कोड में ये एक एडिशनल टेबल दिया हुआ है जो आपको गाइड करती है कि ग्रेवल रोड्स कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है। ये कहता है कि अगर आपका ट्रैफिक बहुत कम है, T1 कैटेगरी में आता है, तो आप रेनफॉल कुछ भी हो वहाँ ग्रेवल रोड यूज कर सकते हैं अनपेव्ड। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक T2 कैटेगरी में आता है और रेनफॉल काफ़ी हाई है, तो आप BT यूज करें। BT यहाँ पे है ब्लैक टॉप, और ब्लैक टॉप में दो ऑप्शन दिया हुआ है, सरफेस ड्रेसिंग या 20 मिलीमीटर प्रीमिक्स कारपेट। और ब्लैक टॉप सरफेस एडवांटेजियस है जहाँ सबग्रेड पुअर हो, यानी CBR 4 से कम हो, और डिजाइन ट्रैफिक आपका 60,000 से ज़्यादा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस कोड में है वो है मैक्सिमाइज यूज ऑफ लोकल मटेरियल, वैरायटी ऑफ लोकल मटेरियल जो यूज की जा सकती हैं, जैसे कि ग्रेनुलर सॉयल फॉर सबग्रेड के लिए, और मैकेनिकल स्टेबलाइज कर सकते हैं उसको आइदर एग्रीगेट से, और दो तरह की सॉइल भी आप मिला सकते हैं, केमिकल स्टेबलाइज भी कर सकते हैं सीमेंट से, लाइम फ्लाई ऐश से, और सॉफ्ट एग्रीगेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बात है कि इनको यूज करने से पहले उनके लैब में टेस्टिंग जरूरी है कि वो आपके रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल हैं जो कंट्री में फ्रीली अवेलेबल हैं और इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है उनके डिस्पोज ऑफ करने की, पर इनमें से कई ऐसे मटेरियल्स हैं जो आप रोड्स में आराम से यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट मुझे आपसे बताना चाहूँगा कि IRC SP72
पेमेंट डिजाइन के लिए ही यूज नहीं कर सक करते हैं, बल्कि इसको आप ओवरले जन के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टेप्स वही हैं जो हमने स्टेप अब तक एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले आप ट्रैफिक एस्टिमेट करें, सबग्रिड की स्ट्रेंथ निकालें सीबीआर में, चाहे तो रिमोल्डेड सैंपल पे निकालें से निकालें, चाहे डीसीपी टेस्ट से करें या सॉइल कैरेक्टरिस्टिक से निकालें टेबल यूज करके। उसके बाद आप डिज़ाइन चार्ट में जाके, कैटलॉग में जाके देखें कि इस ट्रैफिक के लिए और इस सीबीआर के लिए आपको कितना पेमेंट थिकनेस चाहिए। इस पेमेंट थिकनेस को आप कंपेयर करें जो कि साइट पे एक्चुअली एग्जिस्टिंग पेमेंट थिकनेस है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ओवरले थिकनेस होगी। अब इसमें ब्लैक टॉप सरफेस तो वही रहेगा 20 मिलीमीटर प्रीमिक्स कारपेट या सरफेस ड्रेसिंग, आपको बेस और सब बेस को ही स्ट्रेंथन करना है। सब बेस भी ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे तो आपको WBM या WMM ही डालना होगा ओवरले थिकनेस के नाम में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी इसमें कमेंट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।